Shutterstock Music. तो हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो जो आज की वीडियो है, बेसिकली हमने जो सफारी का कुछ पार्ट्स हैं वो चेंज करवाए हैं। एक तो हमने चेंज करवाई है टाइमिंग बेल्ट, एक हमने चेंज करवाया उसका क्लच प्लेट प्लस में प्रेशर प्लेट, और तीसरी चीज़ हमने करवाई है जो पीछे की ब्रेक होती है, वो जो रूटर होता है गोल गोल सा, वो ख़राब हो गया था। उसमें मतलब ब्रेक लग लग के काफ़ी निशान हो गए थे दोनों तरफ के रूटर प्लस में ब्रेक्स। तो ये तीन चार काम करवाए हैं हमने सफारी के। और जो सफारी है वो अभी मैं शोरूम छोड़ के आया हूँ, इसीलिए अभी मैं स्विफ्ट में हूँ। और जैसा कि अभी मैं शिमला जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना ली जाए और एक आपको थोड़ा बता दिया जाए कि कितना खर्चा आया इस पूरे काम में ना। तो जो चलो ये मैं आपको बताता हूँ कितना खर्चा आया, क्या कुछ हुआ। पहले आप थोड़े चंडीगढ़ के नज़ारे, शिमला जा रहा हूँ मैं तो थोड़े शिमला के नज़ारे, थोड़े पहाड़ों के नज़ारे इंजॉय करो और फिर मैं आपको बताता हूँ। और अभी रेड लाइट हो गई है, तो भाई चंडीगढ़ में जो हैं अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, काफ़ी धूप पड़ रही है, सुबह शाम की ठंड रह गई है थोड़ी, बाकी मौसम खुलने लग गया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में क्या, कुरुक्षेत्र में भी खुलने लग गया है, मतलब जो सर्दियाँ ख़त्म होने लग गई हैं और मौसम खुलने लग गया। बाकी अभी थोड़ा काम था मेरे को, मैं परसों ही शिमला से आया था, अभी दोबारा से अर्जेंटली कुछ काम आ गया तो दोबारा से शिमला जाना पड़ रहा है। और जो सफारी है वो मैंने शोरूम पे खड़ी कर दी है क्योंकि उसमें थोड़ा काम करवाना था। अभी मैंने बताया आपको तीन चार चीज़ें जो हैं उसकी चेंज करवाई हैं, तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा इस वीडियो में कि आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हो अगर आपको ये तीन चार चीज़ें चेंज करनी है। तो सामने पुलिस वाले खड़े हैं, चालान काट रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि आप कैसे अपने जो पैसे हैं उसको सेव कर सकते हो। तो भाई ये पंचकुला की कार सेल की जगह है, यहाँ पे सारे बंदे जो हैं अपनी कार लेके आते हैं सेल करने के लिए। तो जो हमारी स्विफ्ट है 30,000 किलोमीटर चल गई है, अभी रेड लाइट पे हम खड़े हैं और जैसे ही ग्रीन होती है तो फिर हम चलेंगे। तो हम एंटर कर चुके हैं हिमाचल में, जबरदस्त लुक लगता है मेरे को ना ये। देखो भाई नजारे जबरदस्त, और सामने से मर्सिडीज जा रही है स्पीड में, ये बोलने में कोई तुक तो है नहीं, पर व्यू देखो आप, जबरदस्त व्यू। Don't like the lights, but it's camera time, so take the picture,
but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Trying to get me framed, throw me in cuffs. Said I attacked you, that's just the false truth. No need to argue, and yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. तो हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि सफारी में कितना खर्चा आया है जो हमने ये तीन पार्ट्स जो हैं अपने सफारी स्ट्रोम के चेंज करवाए हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैं चंडीगढ़ में जॉब करता हूँ, तो मैंने चंडीगढ़ का जो टाटा का शोरूम है, सर्विस सेंटर है जो, वहाँ पता करा कि कितना खर्चा आ जाएगा अगर मैं ये तीनों पार्ट चेंज करता हूँ। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो टाइमिंग बेल्ट है उसके बताए मुझे 12,000 रुपये कि टोटल उन मतलब जो लेबर है वो भी मिला के टोटल 12,000 रुपये में वो टाइमिंग बेल्ट चेंज कर देंगे, ठीक है जी। और सेम चीज़ मैंने कुरुक्षेत्रा में पूछी फिर उसके बाद, तो मैं दोनों का कंपैरिजन साथ साथ ही कर रहा हूँ तीनों चीज़ों का, कि कुरुक्षेत्रा में मैंने रेट पूछा उसका मुझे कितना पड़ा, और प्लस में जो चंडीगढ़ से मैंने पता करा तो वो कितना पड़ा। तो चंडीगढ़ से मुझे 12,000 में बताया टाइमिंग बेल्ट का खर्चा टोटल, और सेम चीज़ मुझे कुरुक्षेत्रा में पड़ी 6,000 प्लस में 2,500, यानी कि 6,28 प्लस में 500, 8,500 रुपये। देखा कितना डिफरेंस आ गया। वो कुरुक्षेत्रा में मुझे पड़ी वो 8,500 रुपये की, और चंडीगढ़ में पड़ी मुझे मतलब बताई उन्होंने 12,000 रुपये की। और ऐसे ही मैंने जो मेरी एक्चुअली जो डिस्क पैड थे पीछे वाली ब्रेक के, और जो रूटर होता है लोहे का वो होता है मोटा सा, उसमें जहाँ पे ब्रेक लगती है ना वहाँ पे काफ़ी निशान पड़ गए थे उस ब्रेक से ना, क्योंकि वो घिस गई थी काफ़ी। तो मैंने सेम चीज़ फिर वही बात मैंने चंडीगढ़ से पता करी थी, तो उन्होंने मुझे बताया रूटर पड़ेंगे 3,000 3,000, यानी दोनों एक तरफ का रूटर भी नहीं वो डाल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सेटिंग नहीं आती अगर एक तरफ का ही हम रूटर डालेंगे, तो दोनों तरफ के उन्होंने रूटर डाले। तो 3,000 प्लस 3,000 कुछ का था, तो 6,000 कुछ के तो उन्होंने रूटर बताए, और 5,000 की ब्रेक शू और 5,000 के ब्रेक पैड्स। अब ये ब्रेक शू अलग है और ब्रेक पैड्स अलग हैं या सेम चीज़ है पता नहीं मुझे। तो इन्होंने टोटल खर्चा इसका भी लगभग बताया 17,000 के आसपास, यानी कि 3,000 6,000 रोटर के, 5,000 5,000 10,000 अपना ब्रेक पैड और ब्रेक शूज़ के। तो 16,000 तो ये हो गए, और प्लस में इनके जो लेबर के चार्जेस हैं वो 5,000 के अराउंड इनके लेबर के चार्जेस थे, तो वो हो गया, ठीक है। अब यही चीज़ मैंने कुरुक्षेत्रा पूछी, तो उन्होंने सेम रेट बताए मुझे, बिल्कुल सेम रेट बताए, 3,000 3,000 कुछ के उन्होंने रूटर बताए। उन्होंने भी यही कहा कि दोनों ही रूटर चेंज होंगे, एक रूटर चेंज नहीं हो सकता, तो दोनों के दोनों रूटर चेंज होंगे, और प्लस में ब्रेक पैड और ब्रेक शूज़ के भी उन्होंने सेम रेट बताए, 5,000 5,000 रुपये के बताए। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या डिफरेंस मिला, मुझे यहाँ पे डिफरेंस मिला जो लेबर चार्जेज है उसमें। वहाँ पे वो लेबर चार्जेज ले रहे थे इसके 5,000 रुपये, और चंडीगढ़ में 5,000 रुपये ले रहे थे, और कुरुक्षेत्रा में मिले मतलब उन्होंने लिए मुझसे सिर्फ 2,000 रुपये लेबर चार्जेस, यानी कि 3,000 रुपये मेरे यहाँ पे सेव हो गए। अच्छा जी, अब तीसरी चीज़ मैंने क्या चेंज करवाई थी, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। तो मैंने इसका भी पूछा उनसे, इसका भी उन्होंने सेम ही 15,000 17,000 के आसपास बताया कि 15,000 से 17,000 के आसपास पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी मुझे क्लच प्लेट का रेट उन्होंने क्या बताया था मुझे, आई गेस 6,000 1,000 का तो उन्होंने कुछ चीज़ बताई थी 1,000 की, मुझे अभी याद नहीं आ रही, तो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा कि कितना उन्होंने बताया मुझे कुरुक्षेत्रा वालों ने क्लच प्लेट के। और चंडीगढ़ वालों ने वही सेम 15,000 17,000 से नीचे तो वो किसी चीज़ में आ ही नहीं रहे थे। तो डिफरेंस कितना आ रहा है ना, तो उन्होंने टोटल मुझे चंडीगढ़ ने 50,000 के अराउंड खर्चा बताया, और सेम चीज़ों का ही खर्चा कुरुक्षेत्रा में जहाँ से मैंने मतलब जहाँ मैं रहता हूँ
तो वहां पे पता करा तो उन्होंने 35 से 40 के बीच में बताया, कहां 50,000 कहां 35 से 40,000 रुपए, यानी कि सीधा ही। दो मिनट भाई मैं जरा गियर चेंज कर लूं। हाँ तो मैं कह रहा था कहां 50,000 कहां 35 से 40,000। और कमाल की बात तो ये है कि कुरुक्षेत्र में जब मैंने अपना चेंज करवा दिया सारा का सारा पार्ट फोर्ट, उन्होंने सारा कुछ कर दिया, तो मुझे था कि चलो 35 बताएं, मतलब 35 से 40 बताएं तो कम से कम 38,000 के आसपास तो आ ही जाएगा खर्चा। लेकिन मैं तो हैरान जब रह गया जब उन्होंने मुझे बिल दिया भाई, 28,000 रुपये का बिल दिया उन्होंने सिर्फ मुझे, 28,000 रुपये का। उसमें से भी उन्होंने ये कहा कि जो आपके पैड हैं, ब्रेक पैड पता नहीं ब्रेक शू, एक ठीक थे, तो 5,000 का उन्होंने वहाँ भी नहीं डाला। तो इतना डिफरेंस मिला मुझे ना चंडीगढ़ और अपना कुरुक्षेत्र में। तो इससे मुझे यही लगता है कि आप भी अपने पैसे सेव कर सकते हो, बस अगर आप मान लो अपने आसपास के स्टेट्स में आते जाते हो, है ना, अपने आसपास के स्टेट्स में आते जाते हो तो, और आपका लगा रहता है वहाँ आना जाना, तो आप वहाँ पे भी पता करो और आसपास के स्टेट्स में भी पता करो, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस मिला मुझे ना। तो मैंने एक यार दोस्त है अपना वहीं टाटा शोरूम चंडीगढ़ में, तो उससे भी मैंने पता करा, मगा भाई आपने इतना इतना खर्चा बताया है मुझे, और कुरुक्षेत्र में मैंने पता करा तो वो इतना खर्चा बता रहे हैं, तो क्या रीज़न है। तो उसने भी मेरे को यही बोला कि भाई साहब जो लेबर चार्जेस है ना उसी का खेल है सारा, तो उसी में डिफरेंस है इतना। तो फिर मैंने अपने एक दोस्त से भी पता करा तो उसने बताया कि हिमाचल में भी मेरे ख्याल से 2,500 या 3,000 के आसपास जो लेबर चार्जेस लगते हैं वो हैं, यानी कि सबसे महंगा चंडीगढ़ ही लगा। तो शुक्र है कि मैंने अपना कुरुक्षेत्र में पता करा कि भाई कितने के चार्जेस लगेंगे, कितना खर्चा आ जाएगा, और मुझे डेफिनेटली पता है कि अगर मैं चंडीगढ़ से करवाता ना तो 50,000 से शायद ऊपर ही खर्चा आता मेरा। लेकिन वहाँ पे जहाँ मैंने करवाया तो वहाँ तो उन्होंने बहुत ही मतलब कम रेट में कर दिया, और बिल मैं साइड में ही अटैच कर दूँगा, आप बेशक से अलग अलग चीज़ें देख सकते हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें डली हैं, और अपना ये सारा कुछ था अपना सफारी स्ट्रोम में 3 पार्ट्स को चेंज करवाने का टोटल खर्चा पुर्चा। और अभी हम शिमला से वापसी जा रहे हैं, रास्ता आपको दिख ही रहा होगा, थोड़ा गोल मटोल सा रास्ता है ये। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जब भी आप अपने पार्ट्स वगैरह चेंज करवाओ गाड़ी के, तो कोशिश करना कि अगर आपका आसपास के स्टेट्स में आना जाना हो तो वहाँ से भी पता कर लो एक बारी, तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। और अभी थोड़ा धुंधला इसलिए हो रहा होगा क्योंकि मैं सुबह सुबह निकला हूँ, ये देख रहे हो आप पहाड़ों पे ही हूँ मैं, अभी अब घर जा रहा हूँ, सुबह सुबह अभी निकला हूँ मैं, 9 बजे ऑफिस भी अटेंड करना है, और टाइम अभी हो गए हैं 7:30, तो 9:30 तक मैं कोशिश करूँगा 9 बजे तक ही पहुँचने की, नहीं तो 9:30 तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा ऑफिस में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये कि टाटा के सर्विस सेंटर से ही काम करवाया है मैंने, मुझे मेन बात यही है कि मुझे टाटा के सर्विस सेंटर से काम करवाना था, और मैंने टाटा के सर्विस सेंटर से ही काम करवाया है, और डिफरेंस भी अच्छा मिल गया मेरे को, 22,000 के आसपास का डिफरेंस मिल गया, और काम मेरा बढ़िया हो गया, और ये कार मैंने बस वाले से आगे निकाल ली। तो मेन बस यही है कि यार जो भी काम करवाओ अपना सोच समझ के, देखभाल के काम करवाओ, और प्लस में जेन्युइन पार्ट्स डलवाओ। Who's a crowd? Freeze the party, come move around. Like first rush when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, that's a deal.